Good morning, everybody. Welcome to this 10th online workshop in our series, Accessible Reading. And it's so great to have all of you with us. Sabhi ko namaskar. Hamari 10th online workshop mein sabhi ka swagat hai. Kitna jaldi jaldi ye samay nikal ja raha hai. Humne April mein shuru kiya tha. Aur aaj dekhte hi dekhte humne 10 वर्कशॉप्स ऑनलाइन आप सभी के सहयोग से खत्म करने जा रहे हैं। तो आज के वर्कशॉप में हम 3 एप्लीकेशंस के बारे में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम सुपर सेंस की बात करेंगे, उसके बाद आउटलुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, और आखिर में हम अमेज़न किंडल की बात करने वाले हैं। ये तीनों जो एप्लीकेशंस है अपने आप में अनोखे एप्लीकेशंस है, खास करके ब्लाइंड के लिए बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशंस है, और इसलिए उनका चयन किया गया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 एप्लीकेशंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सुपर सेंस, फॉलोड बाय आउटलुक, एंड देन अमेज़न किंडल। ऑल दीज 3 एप्लीकेशंस आर extremely important for persons with blindness because they offer different functionalities to a person with blindness, and hence they have been chosen for demonstration today. So before we start, let me introduce the presenters today. We have a very different team of presenters today, and all these presenters are known to you because today's presentations will be done by the Bookshare team. So first and foremost, let me welcome Sia. Good morning, Sia. Good morning. Namaste. So Sia, aap sabko Super Sense ke baare mein batane wali hai. Sia is going to demonstrate about Super Sense. Sanjog is going to demonstrate about Amazon Kindle. Welcome, Sanjog. Good morning. Namaste सभी को. और उनके अलावा, as usual, हमारी Bookshare team की membership head Zainab. Good morning. शायद वो कुछ काम में लग रहे हैं. And सारे chats वगैरह monitor करने के लिए हमारे साथ, as usual, हमारे सुशांत. Good morning, सुशांत. Hello. Hello, everyone. Good morning. Thank you. Yeah, please. So let's start with Sia. Over to you, Sia. Okay, sir. Aapka screen share. Just a little bit of note keeping before we go ahead. 2 very important announcements. नंबर 1, आप लोग को हमारे पार्टनर्स एनेबल इंडिया के ओर से कई सारे पार्टिसिपेंट्स को कॉल आए होंगे या आएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूं, क्योंकि बाद में शायद हम भूल जाए, कि ये कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि जब आपने रजिस्टर किया था, चाहे बुकशेयर मेंबरशिप के लिए या ये वर्कशॉप्स के लिए, तो हम बहुत कम डेटा लेते थे आपसे, पर जब हमने देखा कि हम आपके लिए वर्कशॉप्स प्लान करना चाह रहे हैं और डिटेल में प्लान करना चाह रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप कौन है, कहां से है, मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, या आप जॉब कर रहे हैं, या पेरेंट है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। ये सारी जानकारी से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन है, उनकी एज ग्रुप क्या है, बिलो 20 है, 20 to 30 के बीच में है, 40 एंड अबव है, 50 एंड अबव है, तो उससे भी हमें अंदाजा आएगा कि भाई हमें कौन सुन रहा है। रूरल एरिया से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांव में है, शहर में है, तो उससे भी एक अंदाजा आता है कि भाई सामने कौन है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती है आप लोग की सेवा करने में,
इसलिए हमने हमारे जो पार्टनर्स है एनेबल इंडिया उनको रिक्वेस्ट की, और आपको जब कॉल आएगा तब वो हमेशा यही कहेंगे आपको कि बुकशेयर के पार्टनर्स एनेबल इंडिया बोल रहे हैं और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी नहीं है, ना हम आपका आधार नंबर वगैरह मांगेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको पूरी नहीं बतानी है, तो सिर्फ आप ईयर बता सकते हैं 1940, 1950, 60, जो भी है। स्टूडेंट आप स्टूडेंट बता सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डेटा दे के हमें थोड़ा सहयोग करें। ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश, ऑफ लेट यू माइट बी रिसीविंग सम कॉल्स फ्रॉम अवर पार्टनर्स इनेबल इंडिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हु इज अवर पार्टिसिपेंट्स। Now, when you registered as a Bookshare member or when you registered for the workshops, because of the heavy load on our helplines, we were not able to collect the entire information that is required for planning a effective workshop. What is an effective workshop? It should suit to your requirements. Hence, we are trying to understand who's our participants. Are they students? Are they parents? Are they mainly employed people? How old are they? Are they under 20, above 40? Where are they from? Are they from a village? Are they from a city? So all these factors help us decide which type of applications and services we should take up as a priority and which we should demonstrate in front of you. Hence, when you receive a call from our partners, when they tell you we are calling from Enable India, Bookshare partners, please cooperate. We are not collecting any information which is deemed as private. We are not collecting your Aadhaar number. And if you don't feel like giving out your complete date of birth, you can just give us your year of birth. That is sufficient. Your gender, male, female, are you a student, parent? Are you a person with disability? What type of disability? Totally blind? Or partially sighted, or you are a person with multi-disability, or you are a person with learning disability, or you are sighted. All these factors help us decide. So please help us charging stock battery, and let us help you make these programs more effective. Over to Sia. थोड़ा लाउड, अब दूर हो माइक से, आवाज ठीक आ रही है? और थोड़ा नजदीक आइए। अब ठीक है सर? ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा फिर भी। जी, सभी को नमस्ते फिर से एक बार। मेरा नाम सिया बनकर है और मैं बुकशेयर सपोर्ट टीम से हूँ, मेंबरशिप सपोर्टिंग से। और आज मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन देने वाली हूँ जिसका नाम है सुपर सेंस, इस ऐप के बारे में। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये ऐप आप प्ले स्टोर में ढूंढने जाते हैं तो आपको इस नाम से तीन एप्लीकेशन मिलते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ। शोइंग इंग्लिश इंडिया प्ले स्टोर। अब मैं प्ले स्टोर में गई हूँ और मैंने सुपर सेंस टाइप किया है। सुपर सेंस आउट ऑफ लिस्ट। तो जब मैं इसे सर्च करती हूँ तो मुझे तीन एप्लीकेशन मिलते हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। सर्च वॉइस ऐप सुपर सेंस एक्सपैंडेड वर्जन पेड लैब्स प्रोडक्टिविटी अपडेट इन लिस्ट 27 आइटम्स ऐप सुपर सेंस फ्री वर्जन मारियो द केरोस मोंटेरो स्पोर्ट्स स्टार रेटिंग 5.0 2.6 App Let's See Up App SuperSense 3D Free Flight Software for Paragliding Mario de Queiroz Montero। आपने सुना SuperSense जो फर्स्ट था वो हेल्प ब्लाइंड एंड विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है, जो कि मेडिटेड लैब की तरफ से है। ये एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, आपको यही सिलेक्ट करना है डाउनलोड करने के लिए। जो बाकी के दो एप्स है वो स्पोर्ट्स कैटेगरीज में आते हैं, उन्हें हमें डाउनलोड नहीं करना है। So as you all heard, when we want to download these apps from the Play Store, you will see three different applications in the same name, SuperSense. The three applications
out of these three, one comes under the productivity, and where it is clearly mentioned for blind, and we shall make you hear it again. The other two are for sports, so you need not download those. Those are other applications. So let's listen to this app name of the application again, and then we shall proceed. Apps, SuperSense, helps blind and visually impaired. Mediate Labs, productivity, update. So as you saw, details for app. Mediate Labs say ye product. Showing items 15 to 9. So this product is from Mediate Labs, and this is the one that we are going to demonstrate today. Okay, go ahead. Home, SuperSense, menu button, start button. Okay, so मैंने अभी ये SuperSense जो application है इसे on किया. On करने के बाद में उसने सबसे पहले कहा है कि menu button, then start button. तो ये बाय डिफॉल्ट मेन्यू बटन के बाद डायरेक्ट जंप करता है रीड मोड के अंदर में जो एक स्टार्ट स्टॉप का टॉगल बटन है उस पर. सो सबसे पहले मैं अभी आपको मेन्यू के बारे में बताऊंगी, जो कि पहले लेआउट के बारे में बता देती हूँ. इस SuperSense जो ये ऐप है इसका स्क्रीन में लेआउट इस तरह से है कि सबसे ऊपर बाई और मेन्यू का बटन है जो मैं अभी आपको सुनाती हूँ. मेन्यू बटन जब हम वन फिंगर स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लैशलाइट ऑटो. फ्लैशलाइट ऑटो अगर मैं इसे डबल टैप करती हूँ फ्लैशलाइट मोड चेंज टू ऑन. फ्लैशलाइट मोड चेंज टू ऑन आप इसे ऑन कर सकते हैं. फ्लैशलाइट मोड चेंज टू ऑफ तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं. Flashlight mode change to auto. Light change to auto. तो default ये auto mode में होता है. हमें इसे auto mode में ही रखना है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. One finger swipe करते हैं left to right. देखते हैं क्या मिलता है. Help. Help menu में जाकर आप कभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस application को कैसे इस्तेमाल करना है तो आप इस option का इस्तेमाल करके इसके features के बारे में ज्यादा जानकारी जान सकते हैं. Selected read. Select to read text. इसके बाद जब मैं one finger swipe कर रही हूँ left to right, तो first option आया है read option. Read option exactly नीचे है menu button के. और उसके बाद हम जब one finger swipe करते हैं फिर से explore. Select to explore what is around. Next option आया है explore. इस option का आप इस्तेमाल करके आपके आसपास में surrounding में क्या है वो आप जान सकते हैं. इस ऑप्शन के अंदर में आपको एक प्ले पॉज का टॉगल बटन दिया जाता है जो कि नीचे बॉटम में रहेगा. नेक्स्ट फाइंड सेलेक्ट टू फाइंड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. फाइंड ऑप्शन का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसमें आपको इसके अंदर में सब मेन्यूज है जिसमें कैटेगरीज दी गई है. लगभग 14 कैटेगरीज है जिसके अंदर में बहुत सारे चीजें जो है वो डिफरेंशिएट करके बताई गई. उनका आप चूज सिलेक्ट करके आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, चाहे वो किचन आइटम्स हो, चाहे वो आप डेस्क आइटम हो, ऑफिस आइटम हो, इस तरह से जो हम आगे चल के आपको बताएंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन्यू आइटम से. उसके पहले सर बता देंगे इसके बारे में. सो बेसिकली व्हेन यू ओपन SuperSense will announce menu and then the focus will land on the start button. So it announces two things. The top left is menu, but your focus will land on the start button, which is just above your home button. If you see the layout of this application, top left is the menu, and then as you swipe from left to right, you will land on the flashlight option. There are three options under flashlight: auto, off, and on. So if you tap on the flashlight auto, it will turn to on. If you again double tap on flashlight, it will go off. And then if you again double tap on it, it will turn back to flashlight auto. We recommend that you keep it on auto so that as SuperSense detects, if the light is poor, it will automatically turn on your flashlight. If it's a bright light, it will not turn on your flashlight. Then when you swipe right, you will land on the help button. Obviously, help will give you all the information about the application.
One more swipe from the help button towards the right side, you will land on the select to read button. This is selected by default when you launch the application. Your application launches in the read mode. One more swipe takes you to explore mode. Explore means it will explore the surroundings as you point your camera. And if you turn your camera around slowly, it will identify objects around you and tell you. We'll demonstrate that to you. Next one, if you swipe right from explore, you will land on the find mode. Find mode means it has different categories. It has different items mentioned inside, like doors, cupboards, spoons, this, that. And if you want to find a particular item by just moving your camera around, whenever it will identify that particular item, it will start beeping, and we are going to demonstrate that also. One more swipe from the find button and you will land on the start and stop button, which is a toggle button. So let's move forward and see how it works. Thank you, sir. अब हम जैसे मैंने आपको इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, जो टैब्स है उसके बारे में बताया है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके मेन्यू के बारे में. मेन्यू के अंदर में क्या है? सो मैं टू फिंगर स्वाइप कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट, तो मुझे वो मेन्यू जो ऑप्शन है उसका हाफ पेज स्क्रीन पर आ जा रहा है. तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग्स. मैं फिर से सेटिंग्स, सब्सक्राइब, invite friends, give us feedback, help, rate the app, close menu button, settings. इसके अंदर में जो ऑप्शंस है वो इस तरह से सेटिंग्स, सब्सक्राइब, invite friend, give us feedback, help, rate the app and close menu. तो कुल मिलाकर कुछ 6 यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस. सो हम लोग चलते हैं एक एक करके फाइंड आउट करते हैं इस ऑप्शंस के अंदर में क्या है. So when you open your menu, it gives you different options like settings, subscribe, help, rate it. So all these different options are there. We're going to go into each one of them and have a little brief look into what is there within these different options. Okay. Menu, settings. बैक बटन. मैंने सबसे पहले डबल टैप किया सेटिंग के ऊपर में, तो बाय डिफॉल्ट ये बैक बटन पर आकर है जिससे कि हम वापस जा सके. और अब हम आगे बढ़ते हैं स्वाइप करके फिंगर कि आगे क्या ऑप्शंस है इसके अंदर में. स्पीच इंजन, आप सभी इस वर्ड से फैमिलियर है. देखते हैं इसके अंदर क्या है. मैं इसे डबल टैप करके ओपन कर रही हूँ. बैक बटन, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन. No, मेरे पास में डिफॉल्ट दिया गया है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है. मैं इसी के थ्रू आपको ये सब सुना रही हूँ. सो इसके अंदर में मेरे पास एक ऑप्शन है. अगर आपके पास सैमसंग फोन हो तो आपके पास में दो ऑप्शंस आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सैमसंग का खुद का एक टेक्स्ट टू स्पीच एक होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ एक ही ऑप्शन है. मैं बैक जा रही हूँ. बैक बटन. सो व्हेन यू ओपन योर स्पीच इंजन, the first option you will land up is your back button, and as you swipe right, your first option is text to speech engine. In this phone which is being used for demonstration, there is only one text to speech engine, which is the Google text to speech engine. Most of you might also be using auto TTS, so you can select auto TTS also, or if you are using eSpeak, you can also select eSpeak. Whatever engine is your preference, you can select it over here. See? Okay. Next option पर हम जाते हैं. Currency selected, currency United States dollar. ये option है settings में currency का. हम देखते हैं इसके अंदर क्या है. फिलहाल तो default यहाँ dollar बता रहा है. USD selected currency. Now, इस फोन में आने वाले समय में कुछ फीचर्स आने वाले जिससे कि आप करेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं, बार कोड डिटेक्ट कर सकते हैं, या हैंडराइटिंग में लिखा हुआ कंटेंट भी आप पढ़ सकते हैं. लेकिन अभी फिलहाल ये फीचर अवेलेबल नहीं है. जैसे यहाँ शो कर रहा है कि ये डॉलर रीड कर सकता है, तो अगर किसी के पास डॉलर करेंसी हो तो वो रीड हो पाएंगी, लेकिन इंडियन करेंसी फिलहाल ये रीड नहीं करेगा.
सो ये अभी फिलहाल हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, हम लोग यहाँ से बैक जाते हैं, यहाँ और कोई ऑप्शंस नहीं है. So the second option that you see after your text-to-speech setting is your currency detector. Currency detector is something which the developers of this application are working on. Currently, they have only option for US dollars. And there is also an option for barcode reading, but that's also currently not available. That's going to come in the next version. So this option is just there to give us some information, but it's not of much use to us at this point in time. Next. Let's go to back. Speech engine. Currency selected. Currency United States dollar. Enable speaking on switch. Enable speaking. इसका स्विच जो है मैंने अभी डिफॉल्ट यहाँ पर ऑन किया हुआ है और ये डिफॉल्ट ऑन ही होता है. आप चाहे तो इसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इससे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस के साथ. सो दिस एनेबल स्पीकिंग ऑन इज दैट स्विच व्हिच इज गोइंग टू अलाउ योर सुपर सेंस टू कीप ऑन टॉकिंग टू यू एज यू मूव योर कैमरा. दिस इज ऑन बाय डिफॉल्ट एंड शुड बी ऑन बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज इट विल नॉट स्पीक टू यू. So do not mess with this switch. Next. Next option. Enable beeping on. Enable switch. Enable beeping on. ये on है default. मैंने इसे on ही रखा है. जब आप explore करेंगे या find करेंगे और आपको कोई चीज मिलती है, specially find option के अंदर में, तो वो beep करेगा, यानी वो आपको बता रहा है कि आपने वो चीज find out कर चुके हैं. It's very important. So आप इसे on ही रखिएगा. So this is the beep option. A beep option works generally in the find option, in the find tab. Whenever you have selected, for example, if you selected a door and if it locates a door, it will start beeping. And there is a reason for that, which we'll explain to you when we go into the demonstration of the find tab. Okay. Enable vibration on switch. Vibration on. ये भी default on रखा गया है. इसका भी रीजन यही है कि जब आप कोई डिटेक्ट करते हैं चीजें, जैसे चाहे डोर हो या बॉटल हो, तो जैसे ही आप ये फाइंड हो करेगा आपका डिवाइस आपके लिए, तो वो वाइब्रेट भी करेगा बीपिंग के साथ साथ, जैसे आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज आसपास है आपके, आप उसे फाइंड कर सकते. सो दिस इज वाइब्रेशन व्हिच इज अगेन ऑन बाय डिफॉल्ट एंड इट्स अ सिंपल थिंग. एज इट डिटेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू लोकेट, it will start vibrating and it gives you a little vibration so that you know that you have located the object that you are trying to find. So this is again a helpful tip that the application gives you. Next. Okay. Now, ab iske alawa aur koi option nahi hai, to hume wo default back button pe lekar gaya. So let's move on. So these are all the options in the settings. Menu. We're going to go back. So next option is subscribe. Now, वैसे तो सुपर सेंस एक फ्री ऐप है, लेकिन आपको अगर इसमें ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको ये सब्सक्राइब करवाना होगा. Let's see सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या दिया गया है. Back button. Subscription plans. Subscription plan, इसके अंदर में दो प्लान्स दिए गए हैं. एक फ्री प्लान है जिसके बारे में बताया गया है. Let's see. Free plan, unlimited access to the following modes. One, quick read, instant. Free plan में आप quick read कर सकते हैं, कोई चीज अगर कोई टेक्स्ट है या कोई फोटो है आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं. रीड हिस्ट्री यहाँ पर एक होती है जिसके थ्रू आप अगर कोई टेक्स्ट आपने रीड करवाया तो आगे चल के आप वो दोबारा उसे हिस्ट्री में जाकर पा सकते हैं. इसके साथ साथ एक्सप्लोर बटन है जिसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हमने पहले दी है और आगे और डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले. इसके अलावा इसमें फाइंड ऑप्शन भी होता है जिसे आपको बताया गया, वो उसके बारे में भी हम आपको आगे डेमोन्स्ट्रेशन देंगे. इसके अलावा प्रीमियम प्लान है. लेट्स सी प्रीमियम प्लान में क्या है. Premium plan includes all free plan services and unlocks the following modes. 1. Document, read longer documents with the assistance of smart guidance and enhanced online OCR accuracy. Navigate through recognized text, copy and share it to other apps. 2. New languages, read non-Latin based languages such as Hindi, Arabic, Persian and more.
3. Handwriting. Read handwritten texts with online OCR for better results. Currency. Recognize currencies and hear the estimated value of a banknote currently only available for USD. Now, जैसे आपने सुना है, मेरे पास में अभी फिलहाल ये subscription मैंने लिया है, तो मेरे पास में ये feature है जो मैंने आपको बताया था कि currency अगर US dollar है, अगर हमारे पास तो वो detect कर पाएगा फिलहाल के तौर पर. Handwriting में लिखा हुआ content ये काफी अच्छे से read कर लेगा. इसके बाद में languages है, अलग अलग language में लिखे हुए text भी ये read कर सकता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो या अरबिक हो या रशियन हो और काफ़ी सारे हैं. साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी रीड कर सकता है, ये OCR के थ्रू ये काफ़ी इसकी एक्यूरेसी है, वो रीड करेगा. अब इसका सब्सक्रिप्शन प्लान भी देख ले हम लोग. Get unlimited access to SuperSense premium features by selecting one of the subscription plans below. Monthly subscription purchased at yearly subscription ₹999 2 of 3. Lifetime subscription ₹2,499 3 of 3. So, अभी आपने सुना है कि मैंने monthly subscription लिया है जो कि ₹99 में मुझे मैंने ये purchase किया था. इसके बाद में yearly subscription होता है जो कि ₹999 में है. इसके अलावा lifetime subscription भी आप ले सकते हैं जो कि ₹2,499 में आएगा. इसका payment आप Google account से कर सकते हैं. That's it. So as you heard, there are two options in the subscription model. One is the free model and one is the paid model, the subscription model. The free model will allow you certain basic functionalities like read of short text, but you cannot share it with anyone. Then you can go back to that read text and refer it to in history. So it will maintain a history of whatever you have read. But this is, again, as I said, short text, not very long documents. Explore mode, you can use free version to use the explore mode. You can also use the free version to use the find mode. But when you go for the subscription model, when you pay ₹99 a month or ₹999 per year or ₹2,499 for lifetime subscription, you also get certain additional benefits, and especially that is important when you want to scan Hindi documents. It gives you option of scanning, saving, sharing all these documents which you have shared or scanned. It also gives you an option of currency detector, which as we speak is only for US dollars, but they have promised that they're going to introduce for Indian rupees also. So these are two, three important advantages that you get when you purchase or subscribe the subscription. Okay. Payment will be back button menu. Okay. Subscribe. जब हमने back किया तो ये वापस से home page पर आया, तो again मैं menu में मैंने enter किया है from two fingers swipe left to right. So settings हमने already देख चुके हैं. सब्सक्राइब देख चुके हैं, इनवाइट फ्रेंड्स. अब अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ये ऐप, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ इसके लिंक शेयर कर सकते हैं. आप मेल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में, चाहे तो आप मैसेंजर जैसे आपका व्हाट्सएप हो या कोई अदर मैसेंजर यूज करें, उसके थ्रू भी आप ये सेंड कर सकते हैं. लेट्स सी. Share. Hey, I found this very useful app and thought you may want to try it out. HTTPS code, so, copy. Hey, I copy. CR Bunker to MM, Facebook, News, Twitter, direct message. आप सोशल मीडिया पे भी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या मैसेंजर से. So let's go back from this. So this is an invite a friend option where you can share the link of back this application. Back button out of with your friends and help them also to locate the application, install it. And there are various ways, usual ways of sharing. You can also copy the link and paste it, and it will allow your friends to download this application. Yes. Sorry. Home button. Okay. SuperSense. Now, menu button. Start button. फिर से हम मेन्यू में जाते हैं.
मेन्यू सेट इनवाइट फ्रेंड गिव अस फीडबैक का इस्तेमाल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं इस ऐप के बारे में. इसके लिए आपको स्पेस दी जाती है इसके अंदर में जहाँ पे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और ये सेंड कर सकते हैं. इसके बाद है हेल्प ऑप्शन जो कि आपको होम पेज पर भी एक ऑप्शन दिया गया था अपर मोस्ट राइट कॉर्नर पर. आप वहां से भी ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेटिंग्स के अंदर जाकर भी मेन्यू के अंदर जाकर आप इस ऐप को रेट कर सकते हैं रिव्यू दे सकते हैं. ये डेवलपर्स के लिए काफी मददगार होता है अगर आपको कुछ रिव्यू देना हो तो. क्लोज मेन्यू बटन सो द अदर ऑप्शन स्टार्ट बटन आर बेसिकली फॉर रिव्यूइंग द ऐप और इफ यू वांट टू जस्ट गिव अ कमेंट टू द डेवलपर्स और गिव सम फीडबैक. सो दीज आर स्टैंडर्ड वेज ऑफ कनेक्टिंग विद द डेवलपर्स. So now let's see the performance of this application. Yes. So सबसे पहले हम इसका जो option है read option, read जो feature है उसे हम try करके देखेंगे. Let's start. Tap to switch. Menu. Flag. Help. Selected read. Select to read text. Okay. Selected. So जब हम read option select करते हैं तो इस ऑप्शन के अंदर में बॉटम में एक टॉगल बटन है प्ले पॉज की. साथ ही साथ अदर ऑप्शंस के लिए भी एक बटन दी गई है जो हम थोड़ी देर में यूज करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का कंटेंट ट्राई कर कर देखते हैं. मेरे पास एक बुक है इंग्लिश की जिसका मैं अभी स्कैन करके देखूंगी इसे. Start button. Pause. As soon as the Prime Minister entered the court, the King warmly embraced him. He then narrated the story of the bandits to him. The King asked the Prime Minister to forgive him for his mistake. He honored him by, once again, making him the Prime Minister of his kingdom. The Prime Minister said, Your Highness, whatever happens, happens for the good. We should believe in God, do our duty faithfully and heartily accept the fruits of our deeds. We should not be discouraged by difficulties in our lives. Some of them are for our own good. We should be cool and patient even in the most trying situation. N.T. Please point your camera to a text. Pause. So, start reading. कि मैंने just scan किया और वो immediately उसने read कर लिया. ये इसकी जो reading capacity है ये depend करता है आपके network कितना strong है. अगर आपका network ज़्यादा strong नहीं है तो कभी-कभी ये थोड़ा time लेता है process करने के लिए. फिलहाल नेटवर्क ठीक है तो ये इमीडिएटली इसने रीड कर लिया. इसके बाद अगर हमें ये दोबारा देखना है जैसे मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री में स्टोर होता है. सो लेट्स गो टू द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बटन. टैप टू स्विच रीड मोड करंट मोड शॉर्ट टेक्स्ट करेंसी टेक्स्ट हिस्ट्री 11:32 Sunday, the 31st of May 2020. जब हमने ये इसे read किया था. Capital N. T. 11:31 Sunday, the 3rd. As soon as the Prime Minister entered the court, the King warmly embraced him. He then narrated the story of the bandits to him. The King asked the Prime Minister to forgive him for his mistake. He honored him by once again making him the Prime Minister of his kingdom. Stop. The Prime Minister said, So as you saw, the moment you start the read functionality, the camera has to be focused on a text. And the best option is, it will also guide you and help you to focus on the text. Because normally what happens, the biggest challenge for persons with blindness is, we don't know where the text is on the page. Is it on the top, is it in the middle, is it in the bottom? So this application will also do voice guiding. It will say, take your camera closer, further, turn your camera to the left, turn your camera anti-clockwise, clockwise, take it away. So it will keep on guiding you. If you are a totally blind person, if you're partially sighted, it will be easier for you to capture text. But for totally blind also, you should be able to capture your text pretty easily with the voice guidance that this application gives you. As you heard, the recognition of English is pretty good.
almost 99 or 100%, you could say, I didn't hear any mistakes when it read the text. And even if you want to go back to the history, you could go back into the history and hear the same text. Again, you don't have to scan it again. It is there within the application. You can just go back. It also tells you the time when you captured that text so that you can know which one you want to refer back to. So very nice. Let's go further. Okay. जैसे सर ने अभी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, मैं आपको बता दूं जो मैं बताना भूल गई थी कि जब आप ये रीड करना चाहते हैं तो आपका जो रियर कैमरा है वो आपके अपोजिट में होना चाहिए, सामने होना चाहिए. एज अ विजुअल पर्सन चैलेंज की आपको नहीं पता होता है कि बुक कहाँ है करके, तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करता है कि आप दाएं जाएं या बाएं जाएं या थोड़ा कैमरा जो है सामने ले या पीछे ले, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर एंगल, जिससे कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से कैप्चर कर सके जो इमेज सामने रखा है या कोई टेक्स्ट बुक है उसका कंटेंट. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लिश था, इंग्लिश काफी अच्छे से वो रीड कर लेता है और शायद मेरा एंगल परफेक्ट था क्योंकि मैं एक्साइटेड पर्सन हूँ, तो मैंने डायरेक्ट जाके कैमरा सामने लिया है तो उसने मुझे वो गाइड नहीं किया क्योंकि वो गाइडेंस की जरूरत नहीं थी. लेकिन जब हम हिंदी के बारे में बात करेंगे उस समय में आप देखेंगे कि ये किस तरह से हमें गाइड करता है कि कैसे करना है करके, वो आगे करेंगे. फिलहाल मैं जैसे आपको बता रही थी कि ये हिस्ट्री मोड में है, मैंने रीड किया, तो इसमें भी कुछ और फीचर्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. रीप्ले बटन है जिससे कि आप रीप्ले कर सकते हैं सेम कंटेंट अगर आपको वो दोबारा पढ़ना हो. जब हम हिस्ट्री में डायरेक्ट जाते हैं और हम वन फिंगर स्वाइप करते हैं तो वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करता है, लेकिन जब आप प्ले बटन का इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा कंटेंट आपके लिए एक साथ रीड करता है. शेयर बटन, अगेन आपको कोई कंटेंट आपने यहाँ स्कैन किया है और आपको किसी फ्रेंड को भेजना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं. बैक बटन, इतने ही टैब्स दिए गए हैं तो हम बैक जाते हैं. सो विद इन द हिस्ट्री आल्सो यू हैव गॉट थ्री ऑप्शंस. वन इज रीप्ले, दैट विल रीप्ले द एंटायर टेक्स्ट. देयर इज अनदर वन प्ले, सो यू कैन स्टार्ट अ प्ले. इफ यू स्वाइप लेफ्ट टू राइट इट विल ओनली रीड वन पैराग्राफ एट अ टाइम, बट इफ यू यूज द प्ले बटन इट विल प्ले कंटीन्यूअसली. एंड यू कैन आल्सो शेयर द टेक्स्ट इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द सुपर सेंस. You will get this option of sharing text. You can share it on Google Drive. You can share it via email, WhatsApp. Whatever is your mode, you can directly share text, whatever you have scanned with either yourself or with any other person. Okay. So, जैसे मैंने आपको बताया था कि read option के अंदर में bottom में दो buttons हैं, एक play pause का toggle button है और एक option का button है. मैं आपको options के Tap to switch read mode. Current mode is short text so, button. So, इस tab में currently short text mode on किया गया है. Let's see इसके अंदर में और कौन से options हैं. Short text. आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई label पढ़ रहे हैं किसी bottle का, या आप अगर कोई pamphlet पढ़ना चाहते हैं, या कोई English में text है, तो ये काफी अच्छे से पढ़ता है. लेकिन इसी option का इस्तेमाल करते हुए अगर आप हिंदी पढ़ना चाहे या कोई other language, तो ये नहीं पढ़ेगा. इसके लिए आपको यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट. अगर मान लीजिए जैसे एज ए इंडियन यूजर मैं अगर बात करूँ तो जैसे अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं रीड करने के लिए, तो आपको ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही वो आपके लिए रीड करता है. सो देयर आर टू ऑप्शंस व्हेन यू गो इनटू द ऑप्शंस व्हिच बाय डिफॉल्ट विल से reading short text. If you double tap on that, it will give you a short text option and a document option. The short text option is extremely good for reading English. You can even read labels on your bottles, on your medicines, anything that you want to read in English, you should be able to read using the short text method. And this is available even in the free version. But when you want to read another language, other than English, you will have to go for the subscription model. When you go into the subscription model, then you will get the document option. And this document option will then
read other languages. It's a little misguiding. It says document, but with this option, you can read other languages. जैसे कि सर ने कहा है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अगर आप फ्री वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस समय में इस ऑप्शन बटन के अंदर में शॉर्ट टेक्स्ट तो सुनाई देगा ही, साथ ही साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो लॉन्ग टेक्स्ट कहता है, डॉक्यूमेंट नहीं कहता है। लॉन्ग टेक्स्ट में ज्यादा जैसे आपकी कोई बुक है उस समय में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट में ही वो अवेलेबल हो जाएगा। करेंसी जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, करेंसी ऑप्शन आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा। टेक्स्ट हिस्ट्री आपको दोनों वर्जन में मिल जाएंगे, चाहे वो फ्री वर्जन हो या चाहे आपने सब्सक्रिप्शन इसका लिया हो। सर, सो शी एक्सप्लेन्ड, दिस इज क्लियर दैट देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ सब्सक्राइबिंग एंड इफ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब देयर आर लिमिटेशंस टू द एप्लीकेशन, बट स्टिल इंग्लिश इज ऑलवेज पॉसिबल even without subscription, but it will not allow you to share whatever you have captured. Okay, so जैसे मैंने अभी कहा है कि ये आपकी अगर कोई मान लीजिए कोई दवाई की बोतल है और आप उसका रीड करना चाहते हैं कंटेंट, तो मैं आपको वो शो करना चाहूंगी किस तरह से रीड करता है। Back button. Tap to switch read mode. Start button. Tap to switch read mode. Current mode is short text button. So, मैं जस्ट कंफर्म करना चाहती थी कि short text mode में है या नहीं options के अंदर में, और मैं अभी start करूंगी इसे read करना। एक मेरे पास में एक eye drop है। Let's see ये कैसे पढ़ता है। Menu. Explore. Select. Selected. Start button. Pause. Hold your device closer. Move your device slightly to the right. OFLOXD eye drops. Contains ofloxacin IP 0.3% West Virginia dexamethasone sodium phosphate IP equivalent to dexamethasone. 0.1% with V-benzalkonium. Chloride P 0.01% West Virginia as preservative aqueous vinacal QS. Warning. Start reading. मैंने अभी इसे स्टॉप कर दिया। आपने देखा कि ये इसके कंटेंट काफी अच्छे से बता रहा था कि इस आई ड्रॉप के अंदर में क्या कंटेंट है। जब मेरा एंगल सही नहीं था तो वो मुझे गाइड भी कर रहा था कि मैं किस तरह से इसे इस पर्टिकुलर एक एंगल में रखूं जिससे कि ये काफी अच्छे से रीड कर सके। सर, सो एज यू हर्ड, इवन व्हेन शी वाज स्कैनिंग अ बॉटल and an eye drops bottle, which is pretty small, which has a very small label. The first thing it says, shift your camera to the left. So it was guiding and trying to locate the text. Once it located the text, it started with reading the name, ofloxacillin, and then it also read the content and rest of the things pretty clearly. So this is a brilliant application when it comes to reading such materials which are everywhere around us on a day-to-day basis, which we struggle normally and we have to go asking people, please read it for us. So this is something that this application does pretty well. Let's see other advantages now. Now, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये अगर short text में होता है तो हिंदी read नहीं करता है, तो सबसे पहले हम ये try करके देखेंगे कि ये वाकई में read करता है या नहीं करता है। Let's try. मेरे पास एक हिंदी बुक है, सो मैं ये शॉर्ट टेक्स्ट ऑप्शन ही मैंने ऑन रखा है, देखते हैं ये क्या रीड करता है। पॉज, होल्ड योर डिवाइस फर्दर अवे। UKUIFT 2-29-24-2EYHI। होल्ड योर डिवाइस क्लोजर, मूव योर, स्टार्ट रीडिंग। जब मैंने मुझे इन्होंने मदद किया है कि मैं किस तरह से किस एंगल में रखूं हिंदी बुक को, बट वो हिंदी बुक रीड नहीं कर रहा है, वो कुछ नंबर्स कह रहा है। सो मैं अभी ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगी, डॉक्यूमेंट। टैप टू स्विच रीड मोड, करंट मोड इज शॉर्ट, डॉक्यूमेंट, आई एम रीडिंग डॉक्यूमेंट, प्रोसेसिंग, पॉज बटन, ऑप्शन 11:44 संडे द 31st, प्ले पॉज, 11:44 Sunday the 31st of May 2020. Caps lock.
W Shift Plus. Now, आपने देखा कि ये बहुत फास्ट वर्क कर रहा है. स्टार्ट बटन. जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट मोड ऑन किया, उसके सामने जो भी था वो रीड करने का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट मोड में वो इंग्लिश भी रीड करता है और हिंदी भी रीड करता है. तो जो मेरे कीबोर्ड है वो उसके कीज बोल रहा था. सो लेट्स गो टू द बुक एंड लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. Pause. Processing. 11:45 Sunday, the 31st of May 2020. Pani, pani, pani. प्यास लगे तो पी पानी, हाथ धो तो ला पानी. पौधों में हम डाले पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी. पानी बिन हम जी ना पाए, फिर पानी को क्यों बहाए. नल खुला बहता पानी, टप 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 बहता पानी. पानी को तुम खूब बचाओ, काम पड़े तो नल चलाओ. सुमंजरी. तो आपने भी देखा कि ये किस तरह से मैं स्टार्ट बटन काफी अच्छा पढ़ा है इसने. ऑलमोस्ट 95% अच्छा पढ़ा है इसने. सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बावजूद भी काफी अच्छा पढ़ रहा है हिंदी. सो व्हाट यू सॉ वाज दैट व्हेन शी ट्राइड टू रीड हिंदी डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द शॉर्ट टेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल ओनली इन द फ्री वर्जन, इट रेड हिंदी एज कंप्लीट जंक. बट व्हेन वी स्विच टू द डॉक्यूमेंट ऑप्शन व्हिच इज देयर इन द सब्सक्रिप्शन मॉडल, it immediately starts reading wherever the focus was. Even if it was focusing on the keyboard, it started reading the keyboard also. When we focused it on the Hindi text, it read the Hindi text in two different voices, male voice and female voice. So that also shows two things. Number one, the text which was read, there were different fonts. So different fonts were read in different voices. The smaller fonts were read in the male voice, and the larger heading text fonts were read in the female voice. So if you select a different voice, male voice within your Google text-to-speech engine, this is what will happen. It will also allow you to understand if the fonts are different. It will not say that, but by changing the text-to-speech engine, it told us or it informed us that there is the material is written in different size of fonts. So again, a very good feature that you saw. Let's move on. Okay, जैसे सर ने कहा, जो मैं कुछ मिस कर गई थी मैं आपको हिंदी में बताना चाहूंगी. कि आपने देखा होगा कि जब उसने स्कैन कर लिया तो कुछ पैराग्राफ वो हिंदी में पढ़ रहा था, फीमेल वॉइस में पढ़ रहा था, लड़की की आवाज में, और कुछ जो था वो एक आदमी की आवाज में. ये इसलिए है कि अगर फॉन्ट साइज चेंज होता है तो उस समय में वो वॉइस जो है वो स्विच हो जाती है, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सके कि कोई हेडिंग है या कोई बेसिक कंटेंट है बुक का. ये आपको मदद करेगा इस तरह से. सो आगे बढ़ते हैं. आपको रीड फंक्शंस फीचर्स जो है इसके बारे में तो सारी जानकारी दे दी है. अब हम ट्राई करते हैं एक्सप्लोर. एक्सप्लोर किस तरह से काम करता है इसके बारे में जानते हैं. Tap to menu, flash, help, select, explore, select to explore what is around, explore, select to explore what is around, selected. Now, explore, जब option को आप select करते हैं, table, read के बाजू में है, तो वहाँ आपको एक और option आएगा, वो है play pause का toggle button आएगा, इसमें option वाला button, table. नौ सी आप देख रहे हैं ये बार बार टेबल कर रहा है मेरे हाथ में, जो कि आप शायद आपको सुनाई नहीं आ रहा, वाइब्रेट कर रहा है और ये बार बार टेबल बोल रहा है, क्योंकि मेरा अभी इस समय रियल टेबल टेबल के ऊपर फोकस है. कंप्यूटर कीबोर्ड. नौ सी लैपटॉप. कंप्यूटर कीबोर्ड. हाउस प्लांट. कॉकटेल. टेबल. फ्लावर पॉट. हाउस प्लांट. रोज. वाज. क्लोथिंग. मैन. Woman. Person. Person. Start explore. Now, अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने explore option start किया, वो immediately बताने लग गया कि मेरे आसपास में क्या है. Flower plant है एक मेरे पास में, जो मेरे table पे रखा हुआ है. Rose रखे हुए मेरे पास में, bottle रखा है. मेरे side में सुशांत बनकर बैठे, तो उन्हें recognize किया कि वो man है.
इवन जब मैंने वो कैमरा घुमा दिया रियर कैमरा मेरी तरफ, तो उसने कहा वुमेन। सो इस तरह से ये काम करता है। लेट्स सी, थोड़ा सा और फाइंड आउट करते हैं, रूम में थोड़ा घूम कर देखते हैं। पॉज। पर्सन, क्लोथिंग, वुमन, डॉ, पर्सन, चेयर, टेबल, लैपटॉप, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। नाउ जैसे ही मैं अपने रूम पर गई, तो अगर कोई यहाँ पे साइटेड पर्सन हो तो वो देख रहे होंगे कि वहाँ डोर था, तो उसने प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया कि डोर है। जब मैं बैक अपने सीट पर आई, तो उसने प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर चेयर है। और जैसे ही मैंने बैठी, तो मेरे सामने रियर कैमरा के सामने क्योंकि लैपटॉप था, तो उसने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ लैपटॉप। सो यू सॉ ब्रिलियंट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द एक्सप्लोर मोड। Now this is so important when you are in a unknown room or an unknown environment and you want to know what is there around you without touching things or without tripping on things. So this is where you use your explore mode. You just stand in one place and just slowly turn your camera around, and as it picks up the images of different objects, it keeps on telling you what is there around you. Initially she focused on the items on the table and it explored vase, flower, it even said it's a rose, laptop, keyboard. Then she turned around where Sushant was sitting, so it said man. She turned the camera around towards herself, it identified as woman. She pointed it around in the room and it said door. So it is so important where if we are alone and if we want to understand what is around us, this explore mode is a brilliant way of knowing what is there around you without getting up from your chair also. The connection of this is when you are in an unknown environment, you want to know without asking people, what is there around me? Normally we keep on asking, tell me what is there around me. Now you don't have to ask people what is there around you. You will get a very good idea as to what is there around you. It could be an indoor environment, it could be an outdoor environment. This works very well both ways. Next. Just give me a minute, sir. Connect karna padega device. Yeah, it works. Disconnect ho gaya. Just give me a minute. Back off. So, talking about this application, हिंदी में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये कई बार हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमारे आसपास रूम में क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी के लिए मीटिंग में जा रहे हैं या किसी मिलने के जा रहे, तो कई बार हमें ये सारी जानकारी किसी को पूछनी पड़ती है कि भाई हमारे आसपास क्या है बताओ, या कहीं किसी के वहां गए टेबल पे क्या रखा है हमें मालूम नहीं है, हाथ घुमा रहे, किसी को वाज गिरा दिया या कोई चीज गिरा दी हमने। ऐसा ना करने के लिए एक्सप्लोर करने से बड़ी आसानी से आपको अंदाजा आ जाता है कि अपने सामने या आपके रूम में या आप अगर बाहर भी खड़े तो आपके आजू बाजू में क्या है। तो ये एप्लीकेशन के एक्सप्लोर मोड में ये बड़ा अच्छा फायदा है और ये फ्री वर्जन में भी उपलब्ध है, इसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिया, थैंक यू सो मच Selected explore find select to find a specific object. So explore के बाजू में find feature दिया गया है, तो हम अभी इसे try करके देखते हैं। So सबसे पहले बता दूं, find option को जब आप select करेंगे तो उसमें भी आपको एक play pause का button मिलेगा। Start menu find select to find a specific object. सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था। फाइंड ऑप्शन के अंदर में आपको प्ले पॉज का बटन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैटेगरीज मिलेंगी। इसमें 14 कैटेगरीज है, जैसे कि पर्सन, सीट, डोर, स्टेयर्स, ट्रैश कैन वगैरह, ठीक है। इन कैटेगरीज के अंदर में भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि अगर पर्सन है तो उसके अंदर में आ जाएगा मेल, फीमेल, पर्सन, चाइल्ड, किड, लाइक दिस। सीट है, या जैसे अगर बेडरूम ऑप्शन है तो बेडरूम में जो चीजें अवेलेबल होती वो वहाँ पे सब आइटम्स दिए गए हैं। सो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, कैटेगरीज पर जंप करती हूँ। पर्सन कैटेगरी, पर्सन, ह्यूमन फेस एंड मोर।
So first a person. So let's start to work with this. Person, I am looking for items in person category. Please scan around. Man. No. Man. Seat category, seat, chair and more. Door category, door and door handle. Let's find out a door, find out category. Person. Man. Woman. Door, I am looking for items in door category. Please scan around. Door. 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 Okay. So as you saw, Super Sense. In the find category, you have different options of items. Like you could identify a person, it could be man, woman, you could even look for a child, or you could look for objects like a door, table, trash can, the bedroom items, various options are there, depending upon what you want to find. Now, where is this useful? For example, you're standing in a room. You don't know which side the door is. Instead of touching everything and finding the door, you can actually just stand where you are, find the category door, and then just swipe around your camera, slowly just keep on turning around. The moment it finds the door, it starts beeping. What is the importance of this beeping? For example, when you found the door, now you want to go towards the door. So you just have to keep on following the beep. If your beeping stops, that means your focus has gone away from the door, you are going in a wrong direction. So again, you find the door, allow the beeping to happen, keep your camera steady, and then keep on walking in the direction where the camera is pointing, and you should reach the door. Similarly, if you want to find a chair in the room, or if you drop something on the floor, like a spoon or a knife or something, you just have to find the category spoon, and then point the camera on the floor, and it will find the spoon and start beeping. Just keep your camera steady, don't move it, and keep moving in that direction where your camera is pointing, and you should be able to locate your spoon on the ground. Extremely important when you are living alone. This functionality helps you find a lot of things in the house in an indoor environment where it becomes very easy, and you don't have to rub your hands, especially in this corona environment. You don't want to rub your hands everywhere. So this helps you locate items very simply. हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्यों फाइंड जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है. आजकल के जमाने में अगर हम कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रूम में है, अनजान जगह पे है, हमें डोर ढूंढना है, तो ब्लाइंड के लिए अगर डोर नहीं मिल रहा है तो एक ही तरीका होता है, सबसे पहले कोई भी नजदीकी दीवार पकड़ो और फिर दीवार के सहारे 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 आगे बढ़ते जाओ जब तक उसको दरवाजा ना मिले. अब ये चक्कर में या तो आप कहीं टकरा सकते हो या फिर आपको हर जगह हाथ घुमाना पड़ेगा, और जो आजकल के हालात में सही भी नहीं है. तो उसमें आप एक ही जगह पे रुक के डोर कैटेगरी सिलेक्ट कर ले और फिर धीरे 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 रूम में आप वहीं खड़े खड़े कैमरा को घुमाइए. जैसे ही उसने कैमरा को डोर मिल जाएगा वो बीप करना शुरू कर देगा. अब बीप करना शुरू कर दिया, उससे अगर आप थोड़ा आगे घूम जाओगे तो बीप बंद हो जाएगी, यानी आप डोर चूक गए. दोबारा आप वापस आ जाओ, बीप करने दो, डोर मिल गया उसको, फिर कैमरा को हिलाए बिना जिस दिशा में आपने कैमरा पॉइंट किया है बस उस दिशा में धीरे धीरे आप चलते जाओ, बीप को फॉलो करो. बीप बंद नहीं होनी चाहिए तो आप डायरेक्टली डोर तक पहुंच जाओगे. इसी तरह से अगर कोई चीज जमीन पे गिर गई है, चम्मच गिर गया है, अब चम्मच नॉर्मली गिर जाता है, आवाज से पता तो चलता है कि भाई उस कोने में गिरा या इस कोने में गिरा, पर फिर भी हमें जमीन पे हाथ रगड़ के देखना पड़ता है कि अभी कहाँ गिरा. अब ये भी सही नहीं है. तो इस तरह से अगर स्पून नीचे गिरा है, आपको मालूम है कि चम्मच गिरा है, तो स्पून कैटेगरी ढूंढ लीजिए. किचन में जाके स्पून मिलेगा आपको, और फिर जमीन की तरफ आप कैमरा पॉइंट करिए, धीरे 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 स्वाइप करिए, बीप होगा जैसे ही उसने स्पून को देख लिया, और आप बीप को फॉलो करिए, कैमरा आगे ले जाइए, और आपको स्पून हाथ ज्यादा रगड़े बिना आपको मिल जाएगा. तो ये फाइंड कैटेगरी इसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है.
सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया है कि अगर आपका स्पून गिर गया है तो आपको जमीन पर हाथ रगड़ने की जगह पर आप ढूंढ सकते हैं। मैं इसका डेमोंस्ट्रेशन आपको देना चाहूंगी। माइक थोड़ा दूर हो जाएगा इसलिए मैं पहले बोल देती हूँ और फिर बाद में हम इसके ऊपर काम करते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि कैटेगरीज के साथ साथ आपको यहाँ नीचे में एक सर्च ऑप्शन भी दिया गया है। मेन्यू रीड सी कप्स यूटेंसिल्स बैग इलेक्ट बिल्डिंग्स एंड ट्रीज कैटेगरी हाउस ट्री एंड मोर। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ जस्ट ताकि आपको सर्च ऑप्शन पे मैं जल्द से जल्द लेकर जा सकूं। सर्च एडिट बॉक्स सो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है पर्टिकुलर। वॉइस असिस्टेंट बटन आप इस वॉइस असिस्टेंट बटन का भी इस्तेमाल करके आप अपनी चीज बोल सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं आपकी डिवाइस के साथ और आपका डिवाइस आपके लिए वो चीज ढूंढने में आपकी मदद करेगा। सो चलिए एक मेरे पास स्पून है, हम इसे नीचे गिरा देते हैं और लेट्स सी कि ये ढूंढ पाता है या नहीं। ऑफिस आई bags cups utensils category fork knife and more। so मैंने अभी utensils category ली है जिसमें आप fork knife वगैरह ढूंढ सकते हैं। मैंने spoon नीचे रखा है तो चलिए ढूंढते हैं spoon मिलता है या नहीं। utensils I am looking for items in utensils category please scan around spoon spoon spoon। so आपने देखा कि मैंने थोड़ा कैमरा रैंडमली इधर उधर घुमाया क्योंकि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर उसे पता होता कि वो कहाँ गिरा तो वह डायरेक्ट वही जाता, तो उसने नहीं देखा और जैसे ही उसे मिला तो वो स्पून के ऊपर में बीप करना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी थोड़ा सा घुमाया तो फिर वो थोड़ी देर शांत हो गया। बैक मैंने कैमरा किया तो वापस से वो बीप करने लगा। मुझे बस उस बीप को फॉलो करना था और मुझे वो स्पून मिल गया। So as you saw, if you want to find a particular object, either you select it from the various categories, and there are 14 different categories, including indoor and outdoor things. Like you also heard things like garden, house, building, or you could find some indoor things like kitchen items, utensils, and if she demonstrated how you could locate a spoon. So the moment it found the spoon, it started beeping again, and you just follow the beep and reach for the spoon. So brilliant. So this, I think, concludes the demonstration of the SuperSense application. As usual, yes, we'll be taking all your questions at the end of the presentation. So let's move to a different category altogether. Sanjo? Good afternoon, Sabiko. Good afternoon, everybody. I am Sanjog Kumawat from Bookshare Membership Support Asia team, Asia and Africa team. मैं संजोग कुमावत Bookshare के Membership Support Asia और Africa team से हूँ। मैं एक web accessibility tester और एक Android और computer trainer हूँ। I am a web accessibility tester as well as an Android और computer trainer. आज मैं आपको Amazon Kindle के बारे में बताने वाला हूँ। Today I'm going to talk about Amazon Kindle application. ये application तीन operating system, यानी कि Windows operating system, Android और iOS तीनों के लिए available है। This application is available for all three operating systems, Windows, Android and iOS. This application is used in order to read books which you have purchased or downloaded a sample from Amazon in Kindle format. ये application अगर आपने Amazon से Kindle format में कुछ किताबें खरीदी है या download करी है sample उनके, उनको पढ़ने के लिए ये application useful है। चलिए तो हम पहले Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि किताबें डाउनलोड कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे और फिर डाउनलोड कैसे करेंगे। So now let us go to the Amazon website and see how to search books
and later how to buy or download a free sample. In order to do this, let us open our web browser. मैं अपना web browser खोल रहा हूँ. Taskbar. Mozilla Firefox busy. Navigation toolbar. Browser open हो गया है. जहाँ website लिखते हैं वहाँ लिखना है amazon.in/box. Under the website edit box, you have to write amazon.in/box. Expanded. Amazon.in/books. Collapsed. Busy. वेबसाइट ओपन हो चुकी है. जैसे कि आप सभी को पता है, स्क्रीन रीडर वेबसाइट ओपन होने के बाद सारी चीजें पढ़ने लगता है, तो मैंने कंट्रोल बटन दबा दिया, तो इसीलिए इन्होंने पढ़ा नहीं स्क्रीन रीडर ने. As you all know, once the website is loaded, the screen reader will start seeing everything that is there on the website. I pressed the control key, that is why the screen reader did not say anything. बुक्स सर्च करने के लिए एक एडवांस सर्च का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे काफी सारे सर्च ऑप्शन है, वहां से आप किताबें सर्च कर सकते हो. इन ऑर्डर टू सर्च बुक्स वी विल यूज दिस लिंक कॉल्ड एडवांस सर्च, वेयर डिफरेंट एंड वेरियस सर्च ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड यू कैन सर्च बुक्स क्वाइट इजीली. इस एडवांस सर्च ऑप्शन पे जाने के लिए हम लिंक लिस्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो इंसर्ट F7 से ओपन होता है. इन ऑर्डर टू रीच टू दिस एडवांस सर्च लिंक, वी विल यूज द लिंक लिस्ट डायलॉग बॉक्स, व्हिच यू कैन ओपन यूजिंग द इंसर्ट F7 शॉर्टकट. एलिमेंट्स लिस्ट डायलॉग ट्री व्यू लेवल A Amazon A Amazon A, Advanced Search, Visited 27 of 338 level. I have found the Advanced Search button. Since Advanced Search link, since this link starts with A, that is why I was pressing the A button repeatedly until I was able to find this link, and then I'm going to press Enter key. मैं बार बार ए बटन इसीलिए दबा रहा था क्योंकि एडवांस सर्च लिंक जो है वो ए से स्टार्ट होती है, तो ए बटन दबाने से हमें जितनी भी ए की लिंक है वो पता चलेगी. एडवांस सर्च लिंक मुझे मिल गई है, मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ. बुकस्टोर ऑन लिंक विजिटेड amazon.in. एडवांस सर्च का वेब पेज खुल गया है. यहाँ पे काफी सारे एडिट बॉक्स दिए हैं, लेकिन इस पेज पे कोई हेडिंग नहीं है, इसलिए हम H दबा के हेडिंग लेवल पे जा नहीं सकते. आपको डाउन एरो प्रेस करके जाना पड़ेगा, तो ये लंबा प्रोसेस है उन सर्च बॉक्स पे पहुंचने का. इसके बदले में आप ऐसा कर सकते हैं, E फॉर एडिट बॉक्स, ये E नेविगेशन शॉर्टकट बटन है स्क्रीन रीडर का, वो दो बार प्रेस करके आप टाइटल के सर्च बॉक्स पे जा सकते हैं. This website, this web page of advanced search unfortunately has no headings. So the navigation is quite difficult. You have to press the down arrow key continuously till you reach the title edit box. I have an alternative method. You can also press the E key, E navigation key, which will directly take you to the search edit box. You have to press the E twice because the overall search edit box is also present. Banner landmark navigation landmark search landmark edit as auto complete. Title books advanced search. हम books advanced search पे पहुंच चुके हैं. जैसा कि मैंने बोला, मैंने E दबाया दो बार और फिर up arrow दबाया देखने के लिए कि मैं advanced search पे पहुंचा या नहीं. We have reached to this advanced search line. I have pressed the E key twice, and once I reached to the second edit box, I pressed the up arrow twice to check whether I have landed on the correct edit box or not. Title. The first option is title. Pehla option hai title. Aap book ka title yahan likh sakte hain. Edit as auto complete. Author. Second option is author, name of the author. You can write the name of the author. Aap lekhak ka naam bhi likh sakte hain. Edit as auto complete. Keywords. Keywords likh sakte hain. कुछ टाइटल के अगर आपको कुछ शब्द याद हो तो. यू कैन ऑल्सो टाइप कीवर्ड्स इफ यू
If you do not know the entire title, if you remember few words, you can also write those words here. Edit as autocomplete ISBNs. You can also search by using the ISBN number. अब ISBN number डाल के भी किताब सर्च कर सकते हो. Edit as odd publisher. Publisher, प्रकाशक. Edit genre. Genre. Combo box format. Format. ये हमारे काम की चीज है क्योंकि Amazon पे अलग अलग फॉर्मेट में किताबें अवेलेबल हैं, जैसे कि हार्ड कवर, पेपरबैक. हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किंडल फॉर्मेट की किताबें चाहिए. तो हम इस कॉम्बो बॉक्स को खोलेंगे और यहाँ किंडल सेलेक्ट करेंगे. कॉम्बो बॉक्स ऑल्ट डाउन एरो से खुलता है. एज यू नो ऑन Amazon द बुक्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्मेट सच एज हार्ड कवर, पेपरबैक, Kindle edition, etc. We need Kindle edition. That is why we are going to open this combo box and select Kindle edition. In order to open this combo box, we will use the shortcut Alt down arrow key. Combo box expand Kindle ebooks 5 of 5. Combo box Kindle ebooks. मैंने Kindle ebooks चुन लिया है. I have selected Kindle ebooks. आइए देखते हैं अगला option क्या है. Let's see the next option. Language. Combo box collapsed any language. Language, भाषा. आप यहाँ अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हो. मैं यहाँ हिंदी चुनूंगा. You can choose any of your favorite languages. I am choosing Hindi for the moment. Combo box expanded. Any language. I'm pressing the H key after opening the combo box in order to go to the languages that starts with H. After opening, मैं यहाँ पे हिंदी पे जा रहा हूँ. कॉम्बो बॉक्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ एच की दबा रहा हूँ क्योंकि हिंदी एच से स्टार्ट होता है. H, Hawaiian, Hindi 30, combo box, Hindi. हिंदी मिलने पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया. Once I found the language called Hindi, I have pressed enter. Publication date, combo box collapsed before your combo box. Publication date भी आप एंटर कर सकते हो. You can also enter the publication date if you know. Price. There are various price range given here, such as under rupee 100, between 100 to 200, between 200 to 500, or above 500. यहाँ अलग-अलग price range दी गई है, 100 रुपए से कम, 100 से 200 रुपए तक की, 200 से 500 रुपए तक की. तो मैं यहाँ फिलहाल इसे नहीं छेड़ रहा हूँ. आप चुन सकते हैं अगर आपको किताबें उस प्रकार चाहिए तो. I'm not changing this option as of now, but if you want, you can use this option. Combo box collapsed any price. Sort results by. आपको किताबें किताब आपके सामने जब आएंगी तो किस प्रकार से वो आप आनी चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते. मतलब पॉपुलैरिटी के हिसाब से आनी चाहिए. मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है सबसे पहले आनी चाहिए. अगर आप वैसा चाहते तो वैसा आप यहाँ से चुन सकते हैं. If you want the list sorted according to the popularity, you can do that from this option. Combo box popularity. Combo box pop button go. मैंने down arrow press कर दिया popularity choose करके और मैं यहाँ go button पे enter कर रहा हूँ. I'm pressing the enter key on this go button, which will give us the results. We have selected format as Kindle ebooks, language as Hindi. यहाँ गो बटन पर एंटर करने के बाद मुझे हिंदी की सारी किताबें दिखनी चाहिए जो कि किंडल एडिशन में अवेलेबल है. Amazon.in:busy. Skip to main content. Banner. ये पेज ओपन हो चुका है. फॉर्चुनेटली ये पेज एक्सेसिबल है. हम एच की दबा के एक टाइटल से दूसरे टाइटल पर जा सकते हैं. Fortunately, this web page is accessible, and by pressing the H key, you can jump from one title to another. Clickable 116, Sochi or Amar Bani, You Think and Grow Rich Hindi. किताब है सोचिए और अमर बनिए. The first book is सोचिए और अमर बनिए. Rich Dad Poor Dad Hindi Link Heading Level 2. ये second किताब है. Lakhvi Vahar Hindi Link Head Rashmi Rathi Hindi Link Babylon Kazap Samur Odd Time Management Revised and Lakshya Goals Hindi Link Heading ये मुझे कोई बुक मिली है लक्ष्य. मैं इस पर एंटर कर रहा हूँ देखने के लिए कि क्या क्या ऑप्शन है, खरीदेंगे कैसे या सैंपल कैसे डाउनलोड करेंगे. I'm going to press enter on this book called Laksh in order to see what are the options and other details of the book. Busy. About. Blank. Lakshya goals hit.
ये वेब पेज भी खुल चुका है किताब के बारे में। यहाँ हम एच प्रेस करेंगे। पहली बार एच प्रेस करने पे आपका फोकस जो है बाइंग ऑप्शंस पे लैंड होगा। वी आर गोइंग टू प्रेस द एच की। व्हेन यू विल प्रेस द एच की फॉर द फर्स्ट टाइम, योर फोकस, योर स्क्रीन रीडर फोकस विल लैंड ऑन द बाइंग ऑप्शंस। Main landmark buying options heading level 2. And now let's press the down arrow key in order to check out the price of the book as well as the Kindle price. Main down arrow key dabake hum aap dekhenge ki is kitab ki price kitni hai aur Kindle price kitni hai. Digital list price 183.75, m.r.p 250.00, Kindle price 160.55. इसके इसने MRP बताई, डिजिटल प्राइस बताई और किंडल प्राइस बताई। Save 89 points blank, inclusive of all taxes. Blank includes free wire sold by Amazon Asia Graphic Kindle Unlimited logo. किंडल का एक अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन भी आता है। अगर ये किसी के पास है तो ये किताब ये फ्री में आप पढ़ सकते हैं। किंडल अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन जिनके पास है वही लोग। If you have the Kindle Unlimited subscription, you can also read this ebook for free. Read this title for free. Link learn more. By pressing the enter key on this link. Button read for free. Heading level 5. Button read for free. Heading level 5 or button add to ebook cart. आप अगर कोई और बुक भी खरीदना चाहते हो इसी के साथ तो आप ये बटन यूज करिए add to ebook cart. If you want to buy multiple books, you can use this book in order to put this book in the cart. Button buy now. If you want to purchase this book, you can just press enter on this button and you can just pay and buy the book. अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो इस बटन पे एंटर कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। आइए देखिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमें दिए जाते हैं खरीदने के। Let us look at different buying options that are available. Payment methods, I mean. Amazon dot and checkout. Link skip to me. Buying options open ho chuke hai. Main yahan wapas H key press kar raha hu. Ye accessible page hai. I'm pressing the H key to land on the first heading. This is again an accessible web page. How would you like to pay? Heading level 2. How would you like to pay? This is the first heading. Ye pehli heading hai. Yahan se down arrow press kar rahe hai. Graphic Amazon Pay logo. Pehla payment option hai. Aap Amazon Pay se bhi aap पे कर सकते हो। First paying option is Amazon Pay. Heading level 6 your Amazon Pay link top of Amazon Pay balance. Link have a gift card or promo code. Link add a credit, debit or ATM card Amazon accept. आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। You can also pay by using your credit or debit card. Heading level 6 other payment methods. Other payment methods देखते हैं। Clickable radio button not check UPI. UPI yani ki aap apne Google Pay se bhi iska payment kar sakte ho. You can also pay by using your UPI number or applications like Google Pay. Link what is UPI? Clickable radio button not check net banking. You can also use your net banking facilities to pay for this book. Aap apni net banking ki suvidha bhi use kar sakte ho payment karne ke liye. चलिए वापस पीछे जाके अब हम देखेंगे इसका सैंपल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। Let us go back and look at another method, a method to download the sample of this book. Loading document. Lakshya goals Hindi. I have gone back by using the alt left arrow key. मैंने alt left arrow key press करी है back जाने के लिए। अब मैं down arrow press कर रहा हूँ। Clickable main landmark deliver to. Link enter a button send a free sample. Send a free sample. अगर आप इस button पर enter करते हैं तो एक sample आपके Kindle for PC device पे भेज दिया जाएगा। If you press enter on this button, a sample of this book will be sent to your Kindle for PC device software. इससे पहले कि आप बुक खरीदे या फिर सैंपल डाउनलोड करें, यहाँ पे एक जरूरी बात है। आपको खरीदने या फिर सैंपल डाउनलोड करने तभी दिया जाएगा जब आपके पास Amazon का अकाउंट होगा। In order to buy this book or download a free sample, you need to have an Amazon account.
डाउनलोड करने के पहले एक और चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बड़ी जरूरत जरूरी है, वो है एक्सेसिबिलिटी, इस बुक की एक्सेसिबिलिटी। क्या ये बुक स्क्रीन रीडर के साथ सपोर्टेड है या नहीं? वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज यू नीड टू चेक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस बुक, वेदर दिस बुक इज compatible with screen readers or not. For that, we will jump to this heading called product details. हम ये चेक करने के लिए एक हेडिंग है product details. हम इस पे जाएंगे, H दबा के. Follow the off latch, you go explore our collection, customers who bought this item also, product description heading level 2, about the author heading level 3, product details heading level 2. प्रोडक्ट डिटेल्स पे पहुंच चुके हैं हम, डाउन एरो करके कुछ डिटेल्स भी देखेंगे और स्क्रीन रीडर कंपैटिबल है या नहीं वो भी देखेंगे। We will look at different important details as well as the accessibility of this book by pressing the down arrow key. List with 13 items, format Kindle edition. Format Kindle edition. File size 923 KB. File size. Print length 245 pages. 245 pages की बुक है ये। Publisher, Manjul Publishing House, Jan, sold by Amazon. Language, Hindi. Language Hindi है। ASIN, Wordwise, Screen Reader, Link Supported. Screen Reader, Link Supported. ये एक Screen Reader Compatible book है। तो आप इसका बेशक sample download कर सकते हैं और अगर किताब अच्छी लगती है तो खरीद भी सकते हैं। Since this book is supported with screen readers, you can download the sample of this book, and if you like this book, you can also buy this book. Now let us go to this Kindle for PC software and have a look at it. अब हम Kindle for PC software पे जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वहाँ किताबें कैसे open कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। Restore taskbar. Kindle for PC software install करने के बाद आपको start menu open करना है और वहाँ Kindle लिखना है और enter करना है तो Kindle for PC open हो जाएगा। After installing the software called Kindle for PC, you have to just open your start menu and write Kindle and press enter. The software will the application will start. Start with K Kindle app. Press record. I have pressed enter. मैंने enter press किया. Kindle for PC. Pane initializing Kindle window, table books, Lakshya goals, Hindi 01, title column 1. By default, जब सॉफ्टवेयर खुलता है तो स्क्रीन रीडर का फोकस जो बुक्स के लिस्ट होती है वहां चला जाता है। By default, the focus goes to the list of the books that you have already purchased or downloaded. आप यहां डाउन एरो और अप एरो करके ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। Prem Lakshya goals Hindi selected row 1. Prem Khan Kai Sarva Shrestha Kahani in Hindi selected. You can press the up and down arrow keys in order to navigate through this list. I'm pressing the tab key and let us check out what are the different options available on this window. मैं tab key press करके अलग अलग options अब आपको बताऊंगा। Sync button, sync and check for new items. पहला बटन है सिंक। ये बटन जब काम आता है जब आप कोई बुक खरीदते हैं या किसी का सैंपल डाउनलोड करते हैं और अगर वो बुक यहाँ नहीं दिख रही है तो आप ये बटन दबाइए और वो बुक आपको दिखाई देगी। दिस बटन इज यूजफुल व्हेन यू परचेज अ बुक और डाउनलोड अ सैंपल एंड द बुक डजंट अपीयर इन दिस सॉफ्टवेयर, देन यू नीड टू प्रेस एंटर की ऑन दिस बटन एंड देन द बुक विल अपीयर इन द लिस्ट। लिस्ट लाइब्रेरी All six books, row one, column one. All six books. ये एक लिस्ट आई है लाइब्रेरी की जिसमें पहला ऑप्शन है all. All six books. Six books. ये all जो ये बोल रहा है, ये सारी बुक्स आपको दिखाएगा आपने अब तक की खरीदी हुई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपने डाउनलोड करी हो, सिर्फ खरीद के रख ली हो, वो किताब भी बताएगा। This option will show you all the books which you have done, which you have purchased. And not downloaded in this software. Downloaded 5 books, row 2. Downloaded. This option will show you the books that you have, after purchasing, you have also downloaded in order to read in this computer. ये option आपको, अगर आपने खरीदने के बाद download करी है किताब पढ़ने के लिए इस computer में, तो ये आपको बताएगा. PDF S0, books, row 3. तीसरा option PDF का है.
नेक्स्ट देखेंगे नो कलेक्शंस क्रिएटेड क्रिएटर इंपोर्ट न्यू कलेक्शंस बटन ऐड और इंपोर्ट कलेक्शंस ये कलेक्शंस बटन है अगर आपने काफी सारी किताबें खरीदी है तो आपके अनुसार आप कलेक्शन बना सकते हो और फिर ये कलेक्शन के रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं कुछ रेकमेंडेड फॉर यू बटन Amazon charts button the top 20 most sold. ये दो बटन है जो आपको Amazon की वेबसाइट पे लेके जाएंगे कुछ नई नई बुक्स आपको पता चलेगी यहाँ से these by using these two buttons recommended as well as the top 20 charts these will bring you to the Amazon website where you will find new books in order to read sort button sort collections सॉर्ट कर सकते हो अगर कलेक्शन बनाया है तो यू कैन सॉर्ट योर कलेक्शंस सर्च कलेक्शन नेम एडिट सिलेक्टेड सर्च सर्च कर सकते हो यू कैन आल्सो सर्च टूल बार कलर थीम अप्लाइज टू होम योर कलर सिलेक्शन व्हाइल रीडिंग अ बुक विल नॉट बी चेंज्ड टू चेंज योर कलर मोड व्हाइल रीडिंग ओपन एनी बुक एंड टैप द या बटन इन द टूल बार एक इंपॉर्टेंट बटन है ये लो विजन के लिए खासकर जरूरी हो सकता है स्पेशली उन लोगों को जिनको व्हाइट कलर से थोड़ी दिक्कत आती है इसमें एंटर करने पे किंडल फॉर पीसी सॉफ्टवेयर का जो लुक है जो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर का है वो ब्लैक में बदल जाएगा तो लो विजन जो है वो यूज कर सकते हैं दिस बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद लो विजन एंड फॉर पीपल हु हैव whose eyes are sensitive towards the white color, the software will turn into the black color. However, the color of the book will not change. We will come to that later. I will tell you how to change the color of the book later. इससे book का color change नहीं होगा. हम आगे देखेंगे कि किताब का color आप कैसे change कर पाएंगे. Radio button not checked. Grid view. ये जो जैसे मैंने बताया कि बुक्स जो है आपको लिस्ट फॉर्मेट में दी गई है ये इन रेडियो बटन्स की वजह से है मैंने पहले से लिस्ट करके रखा था बाय डिफॉल्ट ग्रिड होता है जो इतना आसान नहीं होता है स्क्रीन रीडर के साथ नेविगेट करना इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट लगा के रखा है रेडियो बटन चेक लिस्ट व्यू ये चेक्ड है लिस्ट व्यू का बटन देयर आर two buttons the grid view button and the list view button these are basically the layout in which your books are listed or shown to you The grid view is not that accessible with screen readers. Therefore, I use list view. I have already checked the list view button, and that is why there was a list showing in my Kindle. You can also do that. Book browser enter button. Search titles and authors. No books and collect sync button. Sync and list library downloaded 5 books row 2. अब मैं डाउनलोड में जाके एक इंग्लिश की बुक ओपन कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे पढ़ते हैं और फिर बाद में हिंदी की बुक भी खोल के बताऊंगा कैसे पढ़ा जा सकता है Now I'm going to open an English book as well as a Hindi book later and let us check out how to read this PDF downloaded 5 tape world war golden world war 1 a history World War 1 की एक बुक है इस पे हम एंटर करेंगे बुक को खोलने के लिए we will press enter on this book Titled World War 1. World War 1. A history from beginning to end. Page 12, chapter. Chapter. Forcing the German. Reader site expand into the cover. World War 1. Meeting can. Lakshya goal. Kindle for PC. Kin. Press Esc to Reader sidebar tool search button collapsed. Table of contents button expanded. Table of contents cover O. Graphic. World War 1. A history from. हम बुक के कवर पेज पे आ चुके हैं. हम डाउन एरो दबाएंगे इसे पढ़ने के लिए. We are on the cover page of the book. We'll press the down arrow key in order to read the book. Page 4 World War 1. A History from Beginning to End by Henry Freeman Copyright 2016 by Hourly History All Rights Reserved Table of Contents pe pahunch chuke hai we have reached to the Table of Contents within the book You can also access the Table of Contents from one other option I will come to that later Table of Contents ek dusri jagah se bhi access kar paate hain main wahan pe aaunga abhi Table of Contents. Link Introduction.
पहला है लिंक इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट लिंक इज इंट्रोडक्शन. लेट्स प्रेस एंटर टू गो डायरेक्टली टू दैट लिंक. हम इस पे एंटर प्रेस कर रहे हैं ताकि हम इंट्रोडक्शन पे पहुंच जाएं. पेज 1 इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट वर्ड इंट्रोडक्शन. हम इंट्रोडक्शन पे पहुंच गए हैं. वी हैव रीच्ड टू द इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल प्रेस डाउन एरो की इन ऑर्डर टू रीड लाइन बाय लाइन. हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नोन एट द टाइम वाज द Great War, comma, was a four-year conflict that spanned the globe dash. तो इस प्रकार से आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं. आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो कंट्रोल डाउन एरो करके. वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हो कंट्रोल लेफ्ट और राइट एरो यूज करके. और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी पढ़ सकते हो सिर्फ लेफ्ट और राइट एरो की यूज करके. You can read line by line by pressing the up and down arrow keys. You can read paragraph by paragraph using the control up and down arrow keys. Word by word by pressing control left and right arrow keys. And character by character by pressing the left and right arrow keys. So word by word. The first world war. World war. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे पढ़ेंगे? A W A R comma war. यहाँ एक अच्छा फीचर ये है कि मान लीजिए आपको कोई वर्ड है जो डिफिकल्ट जा रहा है और अगर इसका डेफिनेशन आपको देखना है जैसे कि comma known at the time as left quote as tie the great globe it was an unforeseen war that It was an unforeseen war. तो unforeseen का अगर आपको meaning देखना है, तो आप वो भी check कर सकते हो. I have come across this line which it starts from it. It was an unforeseen war. And if I need to check the definition of this unforeseen, the meaning of this unforeseen word, I can do that in this Kindle application. I'm going to show you how. इसका मीनिंग जानने के लिए आपको इस वर्ड के आगे फोकस रखना है. Was an unforeseen. अभी मेरा फोकस unforeseen पे आया है. मैं जस्ट इसके आगे जा रहा हूँ. War. War. इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम है. फोकस जब unforeseen पे आएगा तो वो उसका वर्ड का मीनिंग नहीं बताएगा, उसके पहले वाले वर्ड का मीनिंग बताएगा. इसलिए मैंने बोला कि इस वर्ड का मीनिंग अगर जानना है तो फोकस आगे वाले पे होना चाहिए. योर फोकस शुड बी वन स्टेप अहेड ऑफ द वर्ड ऑफ व्हिच यू वांट द मीनिंग. सो फॉर एग्जांपल हियर वी वांट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अनफॉरसीन. अनफॉरसीन. सो आवर फोकस शुड बी ऑन द नेक्स्ट वर्ड वॉर. एंड देन वी आर गोइंग टू प्रेस द एप्लीकेशन की. अब हम यहां एक एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे. New Oxford American Dictionary war/I noun 1. A state of armed conflict but unforeseen. New Oxford American Dictionary /a/I determiner 1. Used when world war space. New Oxford American Dictionary /a/I determiner 1. Used when referring to someone or something for the first time in a text or conversation bullet. World war an unforeseen. N. New Oxford American Dictionary /a/I determiner 1. World war. Space. N. Space. An. Unforeseen. War. Space. New Oxford American Dictionary /a/I determiner 1. World war. ये unforeseen का बता नहीं रहा है. War. Unforeseen. New Oxford American Dictionary /a/war. New Oxford American Dictionary /war/. वॉर का बता रहा है लेकिन अनफॉरसीन का नहीं बता रहा है. कुछ टेक्निकली कुछ डिफिकल्टीज है इसमें एक्सेसिबिलिटी को लेके, उसकी वजह से ऐसा होता है. बट यूजुअली आप वर्ड की मीनिंग ढूंढ सकते हैं. वर्ल्ड वॉर जैसे कि वॉर का मीनिंग बता रहा है. बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स देयर आर सम बग्स विद इन द एप्लीकेशंस एंड समटाइम्स इट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन read the meanings of the words. That. Let's figure out another meaning. Resulted. New Oxford American Dictionary /t?? World. This is showing the meaning of that. That. Resulted. Resulted. वाले जो that था उसका meaning उसने बताया. तो आप meaning देख सकते हैं.
अब हम जाते हैं टैब दबा के कुछ और ऑप्शंस पे. नाउ वी आर प्रेसिंग द टैब की एंड लुकिंग एट इन ऑर्डर टू लुक एट द डिफरेंट ऐप ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. रीडर साइडबार टूलबार टेबल ऑफ एक्सपेंडेड टेबल ऑफ कंटेंट्स टेबल ऑफ पहला है टेबल ऑफ कंटेंट्स. आप यहां टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं. अलग-अलग चैप्टर्स की लिस्ट यहां आती है और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पे आप एंटर कर दीजिए तो आप वो चैप्टर पे पहुंच जाएंगे. 1915 द डॉन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 अ हिट 9th चैप्टर 2. The first option is table of contents in which you can use the table of contents in order to reach to a certain chapter or a topic according to the table of contents layout and you need to press the enter key in order to reach that particular chapter or section. Let us move ahead. Table of contents reader sidebar toolbar table of contents button expanded space collapsed world. Table of contents का बटन कोलैप्स कर दिया है. Reader side search button collapsed. Search button है यहाँ पे. Table of contents flashcards button collapsed. Flashcard buttons है. Flashcard buttons हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये accessible नहीं है. इसके पहले वाला जो बटन था search, आप किताब में कुछ अगर आपको words पता है तो वो चीज आप सर्च कर सकते हो. Toolbar. Library enter button back to library control plus alt plus L. अगर आपको वापस लाइब्रेरी पे जाना है तो आप यहाँ ये बटन यूज करके जा सकते हैं. इफ यू वांट टू गो बैक टू द लाइब्रेरी यू कैन यूज दिस बटन और अल्टरनेटिवली आल्सो यू कैन यूज द शॉर्टकट कॉल्ड कंट्रोल W. वापस लाइब्रेरी पे जाने के लिए ये तो बटन है ही, साथ ही साथ कंट्रोल W करके एक शॉर्टकट है वो भी आप यूज कर सकते हो. बैक एंटर बटन स्किप बैक. ये वाला जो बैक बटन है जो बैक टू लाइब्रेरी के बाद आता है. Library enter button back to library back enter button skip. ये back लेके जाएगा जो previous topic पे जो आप पढ़ रहे थे. This back button which comes after the button called back to library will take you a step back. Meaning if you were reading suppose chapter 1 and right now we are on the chapter 2, it will bring back the chapter 1. Sync enter button sync to furthest page. ये सिंक बटन है. अगर आप कोई दूसरी डिवाइस में सेम बुक पढ़ रहे थे आप ही की तो वही पेज अगर आपको यहाँ खोलना है तो आप ये बटन यूज करके खोल सकते हो. दिस बटन इज यूजफुल व्हेन इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग द सेम बुक ऑन एन एंड्रॉइड फोन एंड यू वांट टू ओपन द सेम पेज ऑन योर पीसी यू कैन यूज दिस बटन. गो टू एंटर चेक बॉक्स नॉट चेक गो टू अ पेज और लोकेशन इन द बुक. गो टू अगर आपको कोई पेज नंबर याद है अगर आपको डायरेक्ट वहां जाना है तो आप वहां जा सकते हैं यहां से. इफ यू रिमेम्बर इफ यू वांट टू गो टू अ सर्टेन पेज एंड इफ यू रिमेम्बर द पेज नंबर यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज नंबर बाय यूजिंग दिस ऑप्शन. व्यू ऑप्शंस एंटर चेक बॉक्स नॉट चेक चेंज योर फॉन्ट साइज. व्यू ऑप्शंस ये एक बड़ी काम की चीज है लो विजन के लिए. वापस हम इस पे एंटर करके देख रहे हैं क्या क्या ऑप्शंस है. This option is again important for people with low vision. Let's press enter and look inside this. Kindle. Display options. Font down combo box bookerly. पहला ऑप्शन है फॉन्ट. आप यहाँ का फॉन्ट चेंज कर सकते हो आपकी बुक का. You can change the font of your book. Font size slider 44. You can also change the font size. If people want to read in large font, you can do that. अगर आपको लार्ज फॉन्ट में पढ़ना पसंद है तो आप यहाँ फॉन्ट की साइज कम ज्यादा आप कर सकते हो और बुक पढ़ सकते हो. टेक्स्ट अलाइनमेंट रेडियो बटन चेक जस्टिफाइड. टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको जस्टिफाइड चाहिए या लेफ्ट अलाइन चाहिए वो आप देख सकते हो. यू कैन अरेंज विद योर फॉन्ट जस्टिफाइड अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइन. लाइन स्पेसिंग रेडियो बटन नॉट. लाइन स्पेसिंग. पेज विड्थ स्लाइडर 640. Brightness slider 99. Brightness. White enter button press make. Black enter sepia enter button. ये तीन बटन white, black और sepia. Black white. White enter button. Black enter button make sepia enter button. ये तीन बटन है बुक के बैकग्राउंड कलर के. अगर आपको पेज का कलर चेंज करना है व्हाइट करना है ब्लैक करना है या सीपिया करना है. सीपिया मतलब हल्का सा ब्राउन तो आप यहाँ से कर सकते हो. ये वापस अगर किसी को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है व्हाइट आंखों पे स्ट्रेस करता है तो आप यूज कर सकते हो. अगेन देयर आर दिस थ्री बटन्स कॉल्ड व्हाइट ब्लैक एंड सीपिया एंड दीज आर यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पेज बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज एंड द फॉन्ट कलर विल ऑटोमेटिकली चेंज अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड कलर. फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक चेंज होगा बैकग्राउंड कलर के ऊपर.
Kindle World War One, full screen enter button view full screen. हम view option से बाहर निकल गए हैं. Next option है full screen. We are out of the view option. The next option is called full screen. If you want to read your book in full screen, you can press enter on this button. अगर आपको full screen में book पढ़नी है, तो यहाँ पे आप enter कर सकते हैं. Bookmark enter checkbox check bookmark this page. Show notebook enter button show notebook. World War One. बुकमार्क और नोटबुक का बटन आपने देखा और फिर वापस हम बुक पे आ गए. बुकमार्क का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, लेकिन बुकमार्क करने के बाद वो बुकमार्क हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्ट एक्सेसिबल नहीं है. बुकमार्क एंड नोटबुक बटन्स आर द टू बटन्स, टू लास्ट बटन्स बिफोर अवर फोकस अगेन गोज बैक टू द बुक. देयर इज दिस फैसिलिटी ऑफ बुकमार्क ऑफ यू नो मेकिंग अ बुकमार्क इन योर बुक. But unfortunately, once you create a bookmark, you cannot go to that bookmark because that part is inaccessible in this application. Now I will show the Hindi book. अब हम हिंदी की बुक देखते हैं. इस बुक को क्लोज करेंगे, कंट्रोल W दबा के. Table books. World Premkan Kai Sarvashrestha Kahani. प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ये बुक है हिंदी में. हम इसमें एंटर कर रहे हैं देखने के लिए. We are pressing enter on this Hindi book. Premkan Kai Sarvashrestha Kahani in Hindi. हमने एंटर कर दिया. एक बात और इसमें नोट करने की है कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी, आपने बंद कर दी, अगर वापस आप अगली बार बुक खोलते हैं तो ये वहीं से बुक खुलेगी जहां से आपने छोड़ी. तो मैं ये बुक पढ़ रहा था, मैं को इसके कवर पेज पे जाना होगा. Select synthesizer code factory. Kindle. Readers search table X cover note X Premchand ki table readers search but table of contents button expands collapsed Premchand ki sarvashrestha kahani on hind graphic. ये कवर पेज पे हम आ चुके हैं. हम डाउन एरो कर रहे हैं. यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि इसने सिर्फ ग्राफिक पढ़ा, तो टेक्निकली आपको ये पता नहीं चलता है कि आप कवर पेज पे हो, तो इसलिए ये इतनी एक्सेसिबल बुक्स नहीं है, बट आप किताबें पढ़ जरूर सकते हैं. प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों चेतना के अनेक छोरों सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को अपनी संपूर्ण कलात्मकता के साथ. ये किताब का सेकंड पेज है जिसपे मैं कंट्रोल डाउन एरो करके गया, इसलिए ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ने लग गया. सामाजिक कुरीतियों तथा प्रेमचंद नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं जिसमें यहाँ बुक का नाम लिखा है की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ ग्राफिक ISBN कॉलन प्रकाशक कॉलन ISBN नंबर प्रकाशक ये सारी डिटेल्स दी गई है. हम इसको छोड़ रहे हैं, डाउन एरो कर रहे हैं. फोन वेबसाइट सन प्रेमचंद बाय कॉलन अनुक्रम अनुक्रम पे पहुंच चुके हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे. लिंक प्रकाश की है. लिंक ईदगाह ये कुछ चैप्टर लिंक जुलूस लिंक ईदगाह हम ये ईदगाह स्टोरी पे जा रहे हैं. ईदगाह इसे भी ये बिल्कुल उसी इंग्लिश बुक की तरह ही पढ़ता है. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है. कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है. खेतों में कुछ अजीब. आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, वर्ड बाय वर्ड, जैसे मैंने उस बुक में बताया था वैसा आप यहाँ कर सकते हैं. लेकिन कुछ कुछ किताबें ऐसी होती है जिसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ने पर जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा वापस एक्सेसिबिलिटी इशू है यहाँ पे. व्हाइल रीडिंग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल लैंड ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट कुड बी अ नेक्स्ट लाइन एज वेल. देयरफॉर वी से दैट देयर आर सर्टेन एक्सेसिबिलिटी इशूज विद दिस बुक, बट एट लीस्ट दिस बुक इज रीडेबल. And we can enjoy reading this book using our navigation keys. That is all for today.